हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है थंबनेल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बस कुछ ही मिनट में जो है आप थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी जो है टूल्स के। आपके पीसी में कोई फोटोशॉप रहे या ना रहे, कोई एडिटर रहे या ना रहे, तो भी आप जो है एडिट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखे कि क्रोम ब्राउजर को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस सर्च बॉक्स में canva.com लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने सबसे ऊपर में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, देखे कि कैनवा का लोगो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और आपको लिखना क्या है, canva.com लिख देना है और एंटर को प्रेस कर देना है। जब आप पहली बार इस वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको जो है आप चाहे तो एक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने जीमेल अकाउंट से डायरेक्ट इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट में अपने एक जीमेल अकाउंट से डायरेक्ट विजिट कर गया हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके, ऑनलाइन टूल्स का यूज करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, कोई टेम्पलेट अपना बुक का जो है तैयार कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना सकते हैं, यूट्यूब बैनर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो भी बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, फ्लायर कार्ड, कुछ भी आप जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज करके बहुत सारा ढेर सारा यहाँ पे टूल्स है। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो ढेर सारा यहाँ पे टूल्स दिया गया है। यहाँ पे ऊपर में इस साइड में कस्टम जो है कस्टम साइज भी दिया गया है, आप अपने कस्टम साइज के हिसाब से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अपलोड करके भी आप कुछ इस पे जो है एडिट कर सकते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में, वीडियो एडिटिंग सब के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे कि आप थंबनेल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक अट्रैक्टिव थंबनेल को कैसे क्रिएट करी जाती है। यहाँ पे देखिए, यूट्यूब थंबनेल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक और टैब यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अब आसानी से मैं आपको जो जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसे आपको देख लेना है। देखें कि इसमें कुछ इमेज यहाँ पे जो दिया गया है, टेम्पलेट्स जो दिया गया है, कुछ पेड वाला है, कुछ फ्री वाला है। तो आपको फ्री वाला यूज करना है। अगर पेड वाला लेंगे तो उस पर वाटर मार्क आपको देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे साइड में ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे डिजाइन में आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, एलिमेंट में जो भी आप ढूंढना चाहे, वीडियो ऑडियो कुछ भी यहाँ पे इस एलिमेंट वाला में जो है आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड हब, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। कोई भी अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं इस यहाँ पे अपलोड बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपलोड टेक्स्ट लगा सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका सेव रहेगा। उसके नीचे देखें कि यहाँ पे ऑडियो भी आप लगा सकते हैं, फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नीचे में अगर विजिट करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में भी क्या क्या लगाना है सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नीचे में देखें कि यहाँ पे पिक्साबे वेबसाइट भी दिया गया है, पिक्सटॉन भी दिया गया है, जो पिक्साबे जो है ऑनलाइन ओपन सोर्स फ्री जो है पिक्साबे वीडियो फुटेज का, फोटो फुटेज का जो है वेबसाइट है। इसका फोटो को आप यूज करेंगे तो आपको कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा, इसका आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारा यहाँ पे कितने ऑप्शन है उसके बारे में। अब यहाँ पे डिजाइन पे फिर से एक बार हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, अब ये जो यहाँ पे साइज दिया हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा जो ये साइज है, यहाँ पे जो ये बड़ा साइज जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है पूरा व्हाइट वाला, तो ये जो है ये यूट्यूब के साइज का ही थंबनेल है। यहाँ पे आपको साइज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड में अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर वाला, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिख जाएगा आपको। यहाँ पे इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे कलर लगा सकते हैं। देखिए, कोई भी कलर लगा सकते हैं इसमें, जो भी कलर आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और देखिए, इस पर आप इमेज भी लगा सकते हैं, पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो है पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट है। अगर आपको जल्दी कुछ करना है तो पहले से बनाया हुआ टेम्पलेट किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है अपने हिसाब से इसे एडिट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इस इमेज को चाहूँ तो हटा सकता हूँ और अपना इमेज इसमें फिट कर सकता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बस आपको जो है क्लिक करके कुछ अपना इस पे लगा देना है और जो है इसे आप अपने जो है यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए। देखिए, किसी दूसरा को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया है। अब इस इमेज को क्या करना है कि हटा देना है, यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये इमेज हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अपलोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कोने में, यहाँ पे अपलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे अपलोड फाइल्स यहाँ पे दिख जाएगा। अपलोड फाइल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपका इमेज है वहाँ से इमेज को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, इस इमेज को मैं यहाँ पे लगाऊँ
तो देखिए यहाँ पे इस इमेज को भी मैं यहाँ पे फिट कर सकता हूँ और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है यहाँ से जो है इसका टेक्स्ट को भी अपना जो भी आप खुद से टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं, ऊपर में भी टाइप कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है पेड वाला है तो इसे आपको हटा देना है, डिलीट कर देना है, और जो पेड वाला नहीं है उसे आप रख सकते हैं। अब देखिए ये तो मैं आपको बनाया हुआ टेम्पलेट को कैसे एडिट करना है उसको मैंने यहाँ पे बताया है। अब जो है अगर स्क्रैच से आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लगाया, देखिए टेक्स्ट भी आपको ढेर सारा यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले से ऑलरेडी ढेर सारा टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है और बाद में भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक YT यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे मेरा कुछ यहाँ पे स्पेलिंग जो है मिस हो गया है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। देखे इस तरह से जो है आपको यहाँ पे ग्रामर को सही करना होगा। तो देखे इस तरह से आपको लिख देना है, मैंने जैसे कि लिखा, देखे यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इसका भी मैं टेक्स्ट बदल सकता हूँ, यहाँ पे देखे यहाँ पे क्लिक जब आप करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से भी आप ढेर सारा टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो आपको दिखा है यहाँ पे ये ब्रांडेड है, इसको जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस टेक्स्ट को लगा सकते हैं, जिस पे नहीं लगा है उस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक देखें कि ये चेंज होता जाएगा। देखें ऊपर में ये चेंज हो रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस टेक्स्ट को यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि देखें मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, अब इसको पूरा जूम करके यहाँ पे फिट कर देना है। अब देखिए कि इसका कलर को आप पूरा कलर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि इतना दूर का ही कलर चेंज हो तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एलिमेंट में क्लिक करना है, इस एलिमेंट में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारा एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन शेप्स देखने को मिला है, अब यहाँ से आप जो है कोई भी शेप्स लगा सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं। देखिए ढेर सारा यहाँ पे शेप्स दिया गया है, किसी एक शेप पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस शेप को लाया तो यहाँ पे देखिए कलर ऑटोमेटिक जो है इसका ब्लैक आया है, तो इस पर हम मैं जो चाहूँ वो कलर लगा सकता हूँ। यहाँ से देखिए ये ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं जो दो तीन कलर का मिक्सिंग होता है। देखें कि जिस पे क्लिक करूँगा ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये कलर मैं लगाऊंगा। और देखें इसको बैकग्राउंड में ले जाने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अरेंज दिख जाएगा, अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देना है आपको, तो ये जो है बैक चला जाएगा, सभी टेक्स्ट के नीचे चला जाएगा। देखिए अब ये नीचे चला गया है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो है नीचे गया। अब मैं क्या करूंगा कि चाहूं तो मैं इसका कलर को चेंज कर सकता हूं, फिर से यहां पे जाऊंगा, जो भी कलर लगाना है वो कलर मैं लगा सकता हूं, और इसका भी मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। इस टेक्स्ट का टेक्स्ट को सिंपली सेलेक्ट करना है और यहां पे टेक्स्ट वाला टेक्स्ट कलर यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी कलर मैं लगाना चाहूँ वो कलर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। देखिए ये तो होगी टेक्स्ट वाली बात, अब इसमें कुछ इफेक्ट आपको डालना हो तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारा ऑप्शन ऊपर में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे एनिमेशन है, एनिमेशन और पोजीशन इसका यूज जब आप वीडियो को यहाँ पे एडिट करेंगे तब पड़ता है, और यहाँ पे जो है इफेक्ट से लेके यहाँ तक जो है थंबनेल में आपको यूज करना का जरूरत होता है। यहाँ पे इफेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा आपको इफेक्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि शेडो है, लेफ्ट है, आउटलाइन है, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके चारों ओर बॉर्डर लग जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शेडो लग जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इसका शेडो लग गया है। यहाँ से उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, रेड लगाएंगे तो रेड हो जाएगा, देखिए रेड हो गया है। जो भी कलर लगाना चाहे, ब्लैक लगाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा। अब इसको गहरा करना चाहे तो गहरा भी हो सकता है, देखिए ट्रांसपेरेंसी को हाई करना होगा, ब्लर को कम कर ब्लर करेंगे तो जो है पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा इसका जो बैकग्राउंड में ये कलर है। डायरेक्शन को भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आप लगाना चाहे ओपेसिटी को भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है टेक्स्ट में इफेक्ट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ इफेक्ट भी दिया गया है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कि इस पर इफेक्ट लग गया है। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता हो उस इफेक्ट को यहाँ पे आपको लगा देना है और अपने हिसाब से एडिट कर लेना है। अब इसके ऊपर में कुछ एरो सब लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई तीर लगाना है तो यहाँ पे एलिमेंट में आपको क्लिक करना है। देखें यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे एक आपको जो है सर्च बॉक्स दिख जाएगा, तो इस सर्च बॉक्स में जो भी आप सर्च करेंगे इस सर्च बॉक्स में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एरो लिखता हूँ, ARROW मैं एरो लिखूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा। देखिए कि अब ढेर सारा यहाँ पे एरो देखने को मिल गया है, पहला लाइन एंड शेप्स दिखा है, दूसरा ग्राफिक्स दिखा है, तीसरा फोटोज वाला दिखा है, चौथा वीडियोज वाला दिखा है, पाँचवा फ्रेम वाला दिखा है, उसके बाद ऑडियो वाला दिखा है।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिखेगा, पहले ग्राफिक्स दिखेगा, उसके बाद जो है ग्राफिक्स में आपको ग्राफिक्स वाला ढेर सारा एरो यहाँ पे देखने को मिल गया है। इसके बाद फोटोज़ में जाएंगे तो फोटोज़ में आपको ढेर सारा फोटो वाला दिख जाएगा, यहाँ पे प्रो भी दिखेगा, फ्री भी दिखेगा। प्रो का मतलब क्या है कि आपको प्लान लेना होता है, उसके बाद ही इसका आप यूज कर सकते हैं। और फ्री वाला क्या होता है कि यहाँ पे जैसे देखिए ये फ्री है, तो मैं इसको जो है यूज कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसके बैकग्राउंड में भी लगा सकता हूँ। सिंपली इस फोटो पर राइट क्लिक करना है, सबसे नीचे में आपको देखे कि यहाँ पे आपको दिख गया है सेट इमेज एज बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे इस पे अगर क्लिक करूँगा तो इसके बैकग्राउंड में ये इमेज फिट हो जाएगा। देखिए ये इमेज इसके बैकग्राउंड में फिट हो गया है। अब इसे डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक करना है आपको। अब इस इमेज को डिलीट करना है तो सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए उसके बाद वीडियोज़ में जाएंगे तो वीडियोज़ में जो जितना भी यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिला है सबका सब यहाँ पे जो है प्रो वाला वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप यूज करेंगे तो आपको जो है इसका प्लान लेना होगा। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन वीडियो है जो यहाँ पे एरो शो हो रहा है। इस वीडियो का यूज करके आप जो है इफेक्ट वीडियो भी बना सकते हैं, ढेर सारा आपको जो फुटेज यहाँ पे मिल जाएगा अगर इसका प्लान लेते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सभी पेड ऑडियो है, इस ऑडियो इफेक्ट को भी आप यूज कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। मैं इसे सबसे पहले डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए फ्रेम भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। इस फ्रेम में आप चाहे तो इमेज को भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस फ्रेम को यहाँ पे लाया, देखें ये फ्रेम यहाँ पे आ गया है। अब चाहूँ तो इस पर इमेज भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे चार्ट में जाते हैं, देखें कि इतना ऑप्शन आपको यहाँ पे इस एलिमेंट में जाने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहे सब कुछ यहाँ से मिलता है, उतना आपको फोटोशॉप में भी नहीं मिलेगा। जितना भी यूट्यूबर होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर से लेके छोटे यूट्यूबर, न्यूज चैनल, सब जो है यहीं से थंबनेल को क्रिएट करते हैं इसका प्लान लेकर। देखिए अब इसमें इमेज को कैसे फिट करना है। अपलोड में जाएंगे, सबसे पहले इमेज को आपको अपलोड कर लेना है। मान लीजिए मैंने इमेज को अपलोड कर दिया, और देखें कि ये क्रोम भी हमारा इमेज है यहाँ पे, ये देखे ये भी इमेज है, इसको भी आप जानते ही होंगे, ये बहुत बड़ा जो है यूट्यूबर है। बस इसको जो है खिसकाते हुए इसमें जो ले जाके छोड़ देना है। देखे जैसे ही मैंने छोड़ा, देखे इस फ्रेम के अंदर में ये बंदा जो है फिट हो गया है। आप देख रहे होंगे कि अभी ये बैकग्राउंड में है, तो इसको जो है राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पे कर देंगे। देखें कि क्या क्या ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग फ्रंट है, सेंड बैकवर्ड है, सेंड बैक है, तो आपको ब्रिंग फ्रंट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। देखें कि मैंने इस एरो में इसे फिट कर दिया है। अब इसे चारों साइड जो है 360 डिग्री भी इसको जो है रोटेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है, जिस तरफ छोड़ेंगे उसी तरफ ये रह जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब इसको देखने के बाद जो है आप जो है समझ चुके होंगे कि कैसे थंबनेल बनाया जाता है। मैं आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने यहां पे मान लीजिए कि सब कुछ एडिट कर लिया है, मैंने आपको दिखाने के लिए सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। देखिए कि ये यहाँ पे एक इमेज भी लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे जो है मैं डाउनलोड करूंगा तो फुल HD क्वालिटी में रहेगा। देखिए मैं इसको सबसे पहले पूरा बड़ा कर देता हूँ, ये भी एक बड़ा यूट्यूबर ही है, इसको भी आप जानते ही होंगे। तो देखिए कि मैंने इसे जैसे कि बना दिया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा जो है मैं चेंज करूँगा ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। ब्लैक मैंने लगा दिया। देखिए अब मैं जो है इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि इसका फेस अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए मैंने जो है इस मान लीजिए थंबनेल बना लिया। अब यहाँ पे शेयर बटन सबसे कोने में आपको यहाँ पे शेयर बटन दिख जाएगा, स्पेस आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड बटन भी दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बार और डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे अगर इसका प्लान लेते हैं तो देखें कि और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, डाउनलोड सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि PNG, JPG, PDF, PDF प्रिंट, SVG, MP4, GIF में सब इतना यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। बस SVG जो है, SVG क्या होता है कि जब हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाते हैं तो SVG इसमें काम होता है। SVG में अगर डाउनलोड करेंगे, मान लीजिए कि ये SVG में इसे मैं डाउनलोड करूँगा तो ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल और यहाँ पे ये जो इमेज बना हुआ है सबको जो है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर इसको जो है पेंसिल से जो है बना के वीडियो में दिखाता, जो देखने में पेंसिल वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए शेयर बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से एक बार डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए PNG में ये डाउनलोड होगा। आप चाहे तो इसे JPG में भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में, PDF प्रिंट में भी,
तो PNG भी अच्छा रहता है, PNG में ही थंबनेल को जो है अपलोड किया जाता है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें कि अब ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा देखें यहाँ पे ये शो कर गया है, यहाँ पे अब ये कम्प्लीटली डाउनलोड भी हो गया है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें कि अब ये जो है हमारा थंबनेल बनके तैयार हो गया है। देखिए अब मैं इसको कितना भी जूम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है फुल HD में है। और जो है यहाँ पे देखें कि इसका भी यहाँ पे आ गया है अच्छी तरीके से, और ये जो है डाउनलोड हो गया। अब इससे थंबनेल को यूज आप चाहे तो कर सकते हैं। अब इसके साइज़ को भी आप देख ले जाके, मैं चाहूँ तो इसका साइज भी दिखा सकता हूँ। यहाँ से जो है यहाँ से साइज दिखाने का ऑप्शन नहीं है। रिसाइज इमेज यहाँ पे ये जो है एडिटर वाला जो है विंडोज 10 में जो यहाँ पे फोटो वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि मैं ये जो डाउनलोड हुआ है कहाँ हुआ है। डाउनलोड में जाएंगे, देखें कि यहाँ पे मैंने पीपल लिखा था तो यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। इसका साइज भी 425 KB दिखाया गया है। 1280x720 जो यूट्यूब वीडियोज़ का साइज होता है, ठीक वही थंबनेल का भी साइज होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कुछ भी इस कैनवा रिलेटेड वेबसाइट से कुछ हमें पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।